मित्र बड़े समय पो भय सुत के साथ मानो जठर बन अस उपदेशा श्रवण समीप अभय श्रुत के सा श्रवण माने हो तुम्हारा जी कान कान होते कि नहीं कान के नीचे बाल सफेद हो गए महाराज जी पहला बुलावा आ गया अगर भजन करना है तो बुलावा आ जाता है कि अब भजन करो उम्र हो गई तुम्हारी महाराज नहीं अब गीत गाया था भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है हाँ तो उन्होंने जब बाल सफेद हो गए और जब बाल सफेद हो गए तो सोचा कि अब भजन करने की उम्र है महाराज 50 के बाद अगर 51 हो जाए तो बन माने संन्यास ले लेना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि गुरु को बुलाया कि गुरु जी ऐसा करो अब हमें वन में तपस्या करना चाहिए और हमारे राम को युवराज बना दिया जाए। जैसे ही कहा राम को युवराज बना दिया जाए तो जब राम को युवराज बनाना चाहा तो गुरु के पास गए महाराज और गुरु जी के पास कहा है कि अब अबलास एक मन मोरे अपूज ही ना तो अनुग्रह तोरे एक अबलासा है कि हमारे पुत्र को युवराज बना दिया जाए। तो गुरु जी ने कहा कोई चिंता नहीं भाई अगर तुम्हारी इच्छा है तो ढिंडोरा पिटवा दो और जब ढिंडोरा पिटवाया गया सारे राज्य में कि राम युवराज बनेंगे राम राजा बनेंगे महाराज तो सब लोग प्रसन्न महाराज दुनिया प्रसन्न है राम राजा बन जाए राम राजा आ जाए आज भी हम लोग प्रसन्न है कि राम राज चल रहा है महाराज जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे महाराज। तो जैसे ही का राम राजा बन जाए तो सब लोग प्रसन्न हैं लेकिन ये बात देवताओं को अच्छी नहीं लगी। देवताओं को क्यों अच्छी नहीं लगी क्योंकि देवताओं को इसलिए नहीं अच्छी लगी है कि भगवान राम राजा बनने के लिए थोड़ा गए थे महाराज राम का अवतार का राजा बनने के लिए हुआ महाराज नहीं अरे सत्यों को दर्शन देने के लिए जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ असुर दम हवानी तब तब धर प्रभुबुद्ध शरीरा हरे कोट सज्जन भव पीरा करोड़ों संतों की पीर हरण करने के लिए अवतार हुआ कि नहीं और संत महात्मा कहाँ रहते हैं जंगलों में महाराज। अब देवताओं ने कहा कि राजा का राम बन गए तो शिवरी हजारों वर्षों से तपस्या कर रही है कि शिवरी हेरत बैठी बाट राम जन कब घर आवेंगे तो शिवरी को